एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर हम ब्रेसलेट कहाँ से खरीदें? आप जो हमको रेमेडीज के तौर पे ब्रेसलेट्स बताते हैं तो वो कहाँ से लें? तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, लिंक उसका बहुत सिंपल है, unlocknumerology.com/shop/, दैट्स इट, सिर्फ इतना सा है। आप इसको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और आप ऐसे भी टाइप करेंगे ना गूगल पे जाके unlocknumerology.com/shop/, तो सीधा उस पे ले जाएगा, वहां पे सारे ब्रेसलेट आ जाएंगे, वहीं पे ही आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपके घर पे पहुंच जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर। थैंक यू। हरे कृष्णा, मैं अतुल निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। नेम नंबर की जो सीरीज चल रही है ना, उसके बारे में फिर से बात करते हैं। नंबर आपके सामने आ चुका है टाइटल में, 41। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही जबरदस्त नंबर है। 5 इसका टोटल आता है, 5 के कंपाउंड नंबर्स में सबसे सबसे, तो ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके के प्रोफेशन में हो, आपका DOB क्या है, आपका मूलांक भाग्यांक क्या कह रहा है, ड्राइवर कंडक्टर क्या है, और आपका काम क्या है, उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि आपको 41 देना है, 59 देना है, 50 देना है, ये सब उसके हिसाब से चलता है। पर 41 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। देखिए, 4 और 1 दो नंबर से मिलकर बना है। सो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो, बहुत अच्छा होने वाला है। आई होप अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सो 41 जो नंबर है वो क्या है? दो डिजिट से बना हुआ है, 4 और 1। मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी ये चीज बताते हैं, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिषी ये कहती है कि 4 नंबर और 1 नंबर ये दोनों एक ही फैमिली के नंबर्स, एक ही फैमिली को डिनोट करते हैं। ऑल दो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो आप कहेंगे 1 नंबर तो सूर्य का है, 4 नंबर राहु का है, राहु और सूर्य मिलकर ग्रहण योग बनाते हैं, पर न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी में अगर 4 नंबर वाले हो आप, तो आपको 1 नंबर सूट करेगा। आप 1 नंबर वाले हो तो 4 नंबर से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 41 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्बिनेशन है 14, 1 और 4, एक कॉम्बिनेशन है 4 और 1, 41। दोनों में अंतर है, एक में 1 पहले आ रहा है, इसमें 4 पहले आ रहा है। यहां हम 41 की बात करेंगे। 14 नंबर जो है ना, वो नेम नंबर में उतना ज्यादा यूज होता नहीं है वैसे, क्योंकि 14 थोड़ा छोटा नंबर है। नॉर्मली जब नेम की कैलकुलेशन करते हैं तो ऊपर जाता है, पर अगर 14 पे आ रहा है तो वो भी अच्छा नंबर है। 41 की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। 41 के अंदर आपको राहु के गुण भी मिलेंगे, सूर्य के गुण भी मिलेंगे, और आपको उसमें बुध के गुण भी मिलेंगे, क्योंकि टोटल क्या आ रहा है, 5। तो इस वीडियो के अंदर मेन पॉइंट्स क्या है, 41 हमको क्यों लेना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि 41 नंबर की क्या क्वालिटीज है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप भी इस तरीके की चीज देख रहे हैं लाइफ में कि आपके भी ऐसे एम्बिशन है या इस तरीके की चीज फील्ड में हो आप, तो 41 आपको सूट करता है कि नहीं करता, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, फिर भी नहीं क्लियर हो तो हम बैठे हैं, हमसे बात कर लेना, हम बता देंगे। ठीक है जी, तो पॉइंट नंबर 1, अचीवर्स एंड पीपल ऑफ हाई वैल्यूज ओन दिस नेम नंबर। सो ये नंबर आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की एक क्वालिटी डालता है, आप में हाई वैल्यूज इनकलकेट करता है। 41 नंबर की ये स्ट्रेंथ है कि वो आपको इस तरीके की वैल्यूज दे सकता है। मैं बार बार कहता हूं, आपको लगता है कि यार सिर्फ नंबर से क्या ये चीज आ सकती है, नंबर्स में वाइब्रेशंस होते हैं जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि नेम नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। डेट तो एक है, वो तो आ गई है, उसको चेंज नहीं कर सकते, पर नाम जो है, हमको सब हमारे नाम से जानता है, कोई आपको डेट से नहीं बुलाता 5 फरवरी इधर आओ, नहीं, वो आपके नाम से आपको बुलाता है। तो आपके नेम की क्या वाइब्रेशंस है, तो जब उसने नाम पुकारा, अब आपने कहा कि जी उसने तो नाम बोला है, रिटर्न में तो बोला नहीं, रिटर्न में ऐसे दिखाया नहीं, पर हुआ क्या कि जब आपने अपने नेम में चेंजेस किए और उस व्यक्ति ने आपका नाम पुकारा, तो आपके दिमाग में जो स्पेलिंग आएगी वो यही आएगी जो आपने चेंज किया। इसलिए हम राइटिंग की आपको एक्टिविटी देते हैं कि उसको लिखोगे, जितना अपने नाम को जब आप चेंज करते हो स्पेलिंग को तो लिखते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट्स चले जाते हैं। तो जब कोई बुला रहा है तो आपके दिमाग में वही स्पेलिंग आएगी कि हाँ ठीक है, और जब आप किसी को बता रहे हो तो भी वो स्पेलिंग आएगी, जब आप लिखोगे अपना साइन करते हो या कुछ भी कोई फॉर्म भरते हो तो आपके दिमाग में वही चीज़ आएगी, तो वो वाइब्रेशंस आपके साथ जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए। तो
तो आपको वो ऐसी वैल्यूज, ऐसी चीजें दे सकते हैं पूरा, पर आपको फेथ रखना पड़ेगा। बार बार मैं एक चीज कहता हूं, फेथ नहीं होगा प्रॉब्लम आएगी। Having great controlling power and impressive speech, they could become respected leaders and followed by severals. अब पॉइंट ये आता है कि क्या आप इस तरीके के काम में हो। अगर आप इस तरीके के काम में हो जहां आपको लोगों को गाइड करना है, कंट्रोल करना है, उनको समझाना है, तो अगर ऐसी किसी फील्ड में हो तो 41 ले लो, नहीं तो 41 की ऐसा सच आपको जरूरत नहीं, फिर हम दूसरे नंबर पे जा सकते हैं। दे एंजॉय undiminished fame all their life, also enjoy international fame. Again, क्या आप इस तरीके के काम में हो? अब अगर आप मान लीजिए मीडिया फील्ड में हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या आप परफॉर्मिंग आर्ट्स, मूवीज, इन सब तरीके की चीज़ों में हो, तो वहाँ, या फिर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो इन नंबर्स को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपके पास फेम है, इंटरनेशनल फेम, इन सब चीज़ों से जुड़ने का मतलब है। पर अगर आप एक किराने की दुकान खोल के बैठे हो तो आपको इंटरनेशनल फेम और फेम से क्या मतलब, वो दूर दूर तक नहीं है। तो 41 नंबर वहाँ आप अवॉइड कर सकते हो, आप दूसरे किसी नंबर को ले सकते हो जो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे, पर अगर आप हो तो आप ले सकते हो। एनी फेलियर्स दैट दे फेस ऑन अकाउंट ऑफ सच रिस्क बेरिंग नेचर डजंट कम टू लाइट, देयर सक्सेस डज मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो रिस्क बेरिंग नेचर है उसकी वजह से कई चीज़ें ऐसी होती है जो लाइमलाइट में आ नहीं पाती, या आपको कई बार क्या होता है कि आपने बहुत मेहनत करके कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश करी, कुछ एस्टैब्लिशमेंट किया, पर वो लाइमलाइट में नहीं आ पाई, या आपको लोगों ने डीमीन कर दिया कि अरे यार ये क्या है, किस तरीके का आदमी, ऐसे थोड़ी काम करने का कोई तरीका होता है। पर जो आपको सक्सेस उस काम को करने से मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टॉकिंग वही करेगी कि अरे यार क्या बात है, इसने तो ये अचीव कर लिया, बहुत, मतलब कहते हैं ना कि रिस्क है, रिस्क में इश्क है, वही वाली बात है कि जो रिस्क लेता है वो ही आगे बढ़ पाता है। दे अकम्प्लिश मैटर्स बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज़, तो 41 नंबर में है ये बात कि वो अपने जो कैपेबिलिटीज़ है उससे भी बेटर वर्क कर सकते हैं और अकम्प्लिश कर सकते हैं कई चीज़ों को। हाउएवर दिस नंबर हैज़ सच हाई इंटेंसिटी दैट दीज पीपल कैन हैव कंसर्न्स रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। तो ये एक थोड़ा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी जो पावर है, इसकी जो एक स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो कई बार आपके नर्वस सिस्टम तक को प्रॉब्लम कर सकती है। तो यहाँ पे एक कर क्या सकते हैं, रेमेडी क्या कर सकते हो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहें, मंत्र जाप करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैंटिंग करेंगे वैदिक मंत्रों का, उतना ही ज़्यादा आपके ये चीज़ एट पीस रहेगा, शांत रहेगा। तो इस नंबर की जो इंटेंसिटी है वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नलीफाई हो जाएगी। कौन सी इंटेंसिटी, जो आपके नर्वस सिस्टम को हार्म कर सकती है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी ही है एक ऐसी चीज़ जो इसको, इससे आपको बचा सकती है। हेंस दे नीड टू कीप द ईगो इन कंट्रोल एल्स इट विल प्ले स्पॉइल्ड स्पोर्ट इन देयर सक्सेस। तो वो नर्वस सिस्टम का मतलब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि ईगो बहुत ज़्यादा आ सकता है, सक्सेस जब आती है तो ईगो भी साथ लेकर आती है। तो ईगो को भी डाउन रखने का तरीका क्या है, स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहें, भगवान पे आश्रित रहें, यही सोचे कि उन्होंने दिया है, मेरे में तो इतना कैलिबर था ही नहीं, उन्होंने दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। दे नीड टू वॉक द सक्सेस जर्नी वेरी कॉशियसली एंड डू नॉट लेट सक्सेस गेट इन टू देयर हेड एल्स इट विल डिस्ट्रॉय देम। तो ये तो मेजरली हर नंबर के साथ है, किसी भी नंबर को आप लेते हो और हर इंसान के साथ है कि अगर सक्सेस आ रही है तो वो प्रॉब्लम कर सकती है, हमारे उस पर चढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आपको संभल के रहना है। 41 वालों के साथ स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये था 41 के बारे में, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नेम नंबर है, इसके वाइब्रेशन स्ट्रांग है, और 5 नंबर अगर आपको नेम नंबर सूट करता है तो 41 नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। Thank you so much for watching this video. God bless you all. All the best. Hare Krishna.